हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे हस्बैंड आज क्या बना रहे हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए न्यू रेसिपी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं जी आप? फिंगर बना रहे हैं। इसमें क्या क्या मिक्स किया जाता है, कैसे बनाते हैं इसको बताइएगा। अभी देखते जाइए, बस स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, हम देख रहे हैं, आप बनाइए कैसे बना रहे हैं। मोटा काट लिए हैं। हाँ, आप इसको इससे पतला भी काट सकते हैं ना? पतला काट सकते हैं, मगर वो क्रिस्पी नहीं होगा। अच्छा, इसलिए थोड़ा मोटा रखना जरूरी है। चलिए ठीक है। उसके बाद दो पार्ट में करेंगे इसे। ये हमारा आरो रोट है। अच्छा, ये देखिए फ्रेंड्स, ये इनका ये इसमें आरो रोट डाल रहे हैं। बिल्कुल सूखा पड़ा है ये जी, नमी नहीं रहना चाहिए ज़्यादा। अच्छा, दो चम्मच डाल देते हैं। उसके बाद इसको मिला देते हैं कि ऐसे ऐसे करके भी मिला सकते हो। ठीक है, पूरा अच्छे तरीके से ये देखिए मिला रहे हैं। थोड़ा हम इसमें फ्रूट कलर इस्तेमाल करेंगे, इसका जो कलर है ना बिल्कुल बाजार वाला परफेक्ट है। दिखाइए ये कितना डालेंगे हम? थोड़ा सा नहीं हो जाता। देखिए मिक्स करते हैं। आपने देखा कि इन्होंने क्या क्या मिक्स किया, एरोरूट डाला है और फूड कलर डाला है खाने वाला इसमें, जिससे इसका कलर अच्छा आएगा। बाकी कुछ नहीं, दिखाइएगा थोड़ा कैसा हुआ मिक्स। ये देखिए मिक्स हो गया है, ऑयल अभी गर्म हो रहा है। ऑयल, अच्छा ये देखिए इसमें ऑयल भी डाल दिया इन्होंने। तैयार हो गया। अब इसमें और कुछ नहीं डालेंगे? नमक नहीं, नमक नहीं पड़ता इसमें। अच्छा, नमक नहीं पड़ता है। नमक ऊपर से पड़ती है मसाले वाला। अच्छा, ये तलने के बाद नमक पड़ेगा इसमें। ओके, ये अच्छे तरीके से हो गई। और हम अपना ऑयल देख लेंगे। देखिए अभी गरम हो रहा है। हाँ, ऑयल तो गरम हो चुका है, ऑयल भी गरम हो गया है। अभी इसमें डालेंगे, इसमें ज़्यादा जाएगा। और इसका आज कैसा रखेंगे, मीडियम या स्लो? हाई रहेगा, हाई पे चलेंगे। ओके, करारा करना है ना जी? देखिए क्रिस्पी करारा करना है तो हाई पे करेंगे आप। इसको तलिएगा, इसे और ज़्यादा शाइनिंग देना होगा तो थोड़ा फ्रूट कलर मिला के और थोड़ा सा केवल पानी मिला लीजिए। बिल्कुल परफेक्ट हो गई है, जैसे सूखा है ना, उस टाइम सूखा मत देखिए। अब ये देखिए दूसरा दिखा रहा है, अब ये दूसरे बार में करते हैं। इसमें हल्का पानी डालेंगे। ये हो गया आजकल। अच्छा, नमी के लिए इसमें थोड़ा सा थोड़ा पानी मिक्स नहीं किया था, जिससे फूड कलर में शाइनिंग आया था। अब ये थोड़ा नमी आ गया तो उसमें शाइनिंग आएगा। इस बार इन्होंने डाला, देखिए प्यारा भी लग रहा है। दे रहे हैं, मतलब 2 मिनट के लिए।
मिक्स कीजिए। डेढ़ चम्मच का इस्तेमाल किया मिक्स करने के लिए। टोटल आलू
आवाज भी आ रहा है ऐसे जैसे लकड़ी गैस जैसे क्या आपने बोला लस्कर गैस देखिए दोस्तों, अब मेरी वाइफ भी खाने के खाने लगी। टेस्टी है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और बनना चाहिए कि नहीं आगे? बनना चाहिए बिल्कुल ना। आप लोग भी घर पे ट्राई जरूर कीजिएगा बनाकर।